आपसे आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और यहाँ पे बना रही हूँ चाय, शाम का टाइम है, दूध वगैरह लेके आ गई हूँ, शाम के कपड़े भी छत से ले आई हूँ, दिया बत्ती भी हो गया है, दीपक की लौ बुझ गई है, धूप अभी जल रहा है, बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और झालमुड़ी बच्चे ने बोला था बनाने, झालमुड़ी बच्चे लोग खा भी रहे पढ़ाई करने के बाद खाने लगे हैं। और मैं बना ली हूँ अपने लिए चाय, चाय वगैरह पीने के बाद फ्रेंड लग गई हूँ घर के कामों में, ठंडे ठंडे का आनंद लेते हुए घर के काम करते हुए। तो यहाँ पे मैं पालक थोड़े से बचे हुए थे तो मैं इसके सोच रही हूँ आज पराठा बनाऊँ और कुछ अलग टाइप के करूँ, क्योंकि दिन की काफ़ी सारी दाल बची हुई है, पालक वाली दाल, ये अगले दिन की दाल है फ्रेंड। मैं सोची इसका कुछ थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, तो मैं सोची इसको ना आटे में मिक्स कर देती हूँ और देखती हूँ इसके पराठे कैसे लगते हैं। मैं पहली बार ट्राई की हूँ, वीडियो बहुत सारी देखी हूँ, मगर मुझे कुछ कुछ लोगों की वीडियो पे भरोसा नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ भी यहाँ बना के डाल देते हैं, वो आपको टेस्ट में अच्छा लगे या ना लगे। मैं ऐसी चीज़ें नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं अगर किन्हीं को बताती हूँ तो वो अपने पे भी यूज करेंगे और किन्हीं का कुछ भी सामान वेस्ट हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो आटा वगैरह मैं लगा ली हूँ, बस उसमें दाल डाली हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दी थी, अजवाइन, मंगरेला और थोड़ा सा नमक डाल के उस पराठे को का आटा मैं लगा ली हूँ। तो देख लीजिए काफ़ी सारे बर्तन हैं और इस ठंडे पानी में बर्तन धोना बहुत भारी काम होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो खैर अभी के पानी, अभी जो पानी मैंने आएगा वो ठंडा नहीं है क्योंकि मैंने मोटर ऑन कर दिया है और अभी फ्रेंड टंकी में पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रोज़ तो ऐसे होता था ना कि दो बार मुझे मोटर चलाना पड़ता था, मगर अभी ऐसा है फ्रेंड एक बार मोटर चलाती हूँ बस रात को, वो पूरा दिन चलता है ना पूरा दिन, फिर थोड़ा धूप की वजह से पानी गर्म हो जाता है मगर मैं रात को ही मोटर चला रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि अभी मैं बर्तन वॉश करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी, ये बिल्कुल गर्म गर्म पानी आएगा, अच्छा पानी रहता, ठंडा नहीं रहता। अभी तो ठंडा पानी यूज नहीं होगा, तो जितने भी बर्तन हैं वो सब मैं धो ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ना मैं लगाई थी और काम इतना हड़बड़ाहट रहता है ना, मैं लगाई हूँ पानी छानने के लिए कहीं और छना कहीं और रहा है, तो इसको मैं पूरे अच्छे से सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी मैं एक ही टाइम साफ़ कर रही हूँ, रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, सुबह में तो बहुत ज़्यादा उठती हूँ लेट से, बहुत ज़्यादा आलस रहता है। और पता है आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज हमारे यहाँ हुई है बारिश, झमाझम बारिश हुई है और ठंडा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि मैं कौवा स्नान करके आज नहाई हूँ। कौवा स्नान का मतलब हुआ फिर मैं बस कपड़े चेंज की हूँ, पूजा नहीं करना है, पूजा नहीं करना है क्योंकि मंथली पूरी प्रॉब्लम है, इस वजह से आज पूजा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ हो गया है और बहुत सारी बातें मैं आपसे भी कर ली हूँ। तो यहाँ पे मैंने टॉवल हैंगर में टॉवल लगाई हूँ क्योंकि कपड़े तो आजकल इतने धुलते हैं ना, तो मत पूछिए। और यहाँ पे बच्चे लोग के लिए भी पराठा नहीं बनाई हूँ, सिर्फ पापा के लिए एक पराठा बनाई हूँ, बस पापा बोले एक ही पराठा खाएंगे, तो टेस्ट देखने से तो कलरफुल बहुत अच्छा लग रहा था और पराठे बने भी थे बड़े टेस्टी, बड़े टेस्टी बने थे, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कभी भी, जितने लोग मेरी वीडियो देखते हो उन्हें पता हो मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ और ना ही वीडियो के लिए झूठ बोलती हूँ, और रियल लाइफ में मेरा ये फंडा है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो आप लोग के घर में अगर दाल वगैरह बचती है तो आप मिक्स करके एक बार पराठा ज़रूर बनाइएगा, मैं पहली बार बनाई हूँ इस तरह से, मगर थोड़े से कच्चे पालक भी डाली थी। तो पापा को खाना दे दी हूँ और जो दिन के मटर जो कल मैं लाई थी हटिया से उसे अभी तक नहीं छील पाई हूँ, तो रात में ही टाइम मिलता है, दिन में तो बस हालत ही रहता है, खाना बनाओ खिलाओ दोनों टाइम का काम हो जाता है, तो काफ़ी दौड़ भागता हो जाता है। तो अब मैं ले ली हूँ मटर, छील के लूँगी सारे जितने भी मटर हैं सारे छील लूँगी। और रात में क्या है ना, बच्चे लोग उधर पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैं, काम भी मेरा सारा हो गया फ्रेंड, अब कोई भी काम नहीं है, बस ये मटर छीलने का ही काम है, अभी से फ्रिज में डाल दूंगी और छिलका कल गाय माता को दे दूंगी। तो ये अब रखा जाएगा, तो कभी भी मन होगा, जब मन होगा तब मैं उसे से थोड़ा सा निकालो और सब्जी में डालो, तो ये थोड़ा सा काम हल्का रहता है। और देखिए कितने लाल लाल टमाटर मैं लेके आई हूँ। और अब आ गई हूँ अपने रूम में, तो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बच्चों को बोली थी कि इस रूम का बेडशीट तुम थोड़ा निकाल दो, तो छोटा वाला बेटा मेरा बेडशीट वगैरह निकाल के रखा है, क्योंकि फ्रेंड ना मैं अभी रात को इस रूम की बेडशीट को चेंज कर लूँगी, तो सुबह में थोड़ा सा क्या है ना, बस वॉश करने करेगा, नहीं तो सुबह में फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं रात को ही इसे अरेंज कर लूँगी और ये काम मेरे को कल सुबह थोड़ा हल्का रहेगा। तो मैं अभी इस तरह ठंड में अपने काम को मैनेज करके चल रही हूँ। तो फ्रेंड लेके बैठ गई हूँ, बेडशीट बिछ गया है, अभी पिलो कवर लगाना है
और मैं भी फेस वगैरह धो के आ गई हूँ। और यहाँ पे ये छोटा वाला बेटा पढ़ाई कर रहा, देखिए कंबल अपने अपने पे क्या बोझ उठाए हुए। गाना है ना, मैं दुनिया का बोझ उठाता हूँ, ये बेटा मेरा कंबल का बोझ उठा रखा है। तो ये इधर कर रहा है, मैं तब तक पहले थोड़ा सा लगाऊंगी उसका पी। तो फ्रेंड बस तो लेके बैठी हूँ, और मच्छरदानी तो हमारा कंपलसरी है, वो तो लगाना ही है। तो बस यहाँ पे अपने ये ले ली हूँ टोनर वगैरह क्रीम वगैरह, बस उसे ले करती हूँ। तो मैं फ्रेंड बेडशीट रात को ही चेंज कर ले रही हूँ, ठंड में सुबह में बहुत काम ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि काम हम आलस के हिसाब से कर रहे हैं तो काम ज़्यादा हो जा रहा है। और थोड़ा चमक लेती हूँ, थोड़ी गोरी हो जाती हूँ। तो अगर ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो इस लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड रात को तो सोई, सुबह उठी, हड़बड़ हड़बड़ में कोई अच्छे से वीडियो शूट नहीं की हूँ, बस ये दोपहर का क्लिप है फ्रेंड थोड़ा सा। तो आज मैंने पहन रखी है साड़ी, क्योंकि कुछ वीडियो शूट करना था और कुछ मतलब मन होता है ना, कभी कभी ठंड में साड़ी पहन लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी मटर का झोर भात चोखा, बच्चे लोग भी उनसे आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं मटर छीनी थी रात को, उसी का मैं झोर बना दूंगी, टमाटर ऐड कर दूंगी। और ये वाला टाइम में मटर का झोर भात चूका बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, मेरे घर में तो सबका फेवरेट है। और देखिए ये देखिए हमारा झोर कितना है, देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा लूँगी आलू का चोखा के लिए, और ये तो ही फेवरेट है हमारा आलू का चोखा। और साथ साथ ही जीरा और लहसुन से इस झोर का भी तड़का लगाऊँगी, मतलब ये ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी बनाई है मटर का, इसको तड़का लगाऊँगी। और ये इतना अच्छा लगता है चावल के साथ, आप लोग कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग अगर बोलोगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। और ये तिलौरी, इसको हम लोग बचपन में ना पांचों उंगलियों में पहनते थे और उंगली के साथ खाते थे। खैर अब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बड़े वाले बेटे का खाना निकाल दे रही हूँ, झोर भात चोखा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों के लिए खाना निकाल दी हूँ, झोर भात चोखा और तिलौरी। और बच्चे लोग आ गए हैं, 3 बज रहा है, ठंड के टाइम में काम तो जैसे तैसे हो रहा है, ठंड भी बहुत है। तो मिलते हैं एक नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड। चोखा बस तैयार बना।